मोस्ट सस्पेक्टेड क्वेश्चन का 3 सीरीज बनाया था, उसी प्रकार से आज से मैं शुरुआत कर रहा हूँ BFM के मोस्ट सस्पेक्टेड BFM क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1। कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन हैं इस सेट में। इसको आप अटेम्प्ट इस प्रकार से कीजिए कि पहले एक बार आप क्वेश्चन देखिए, खुद से अटेम्प्ट कीजिए। आप जो बनाए हैं, आपको यदि नोट्स की आवश्यकता है तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी नोट्स का स्रोत है आपके पास उससे एक बार कंसल्ट कीजिए यदि आपसे नहीं बन रहा है, और एक बार आप खुद से पहले कीजिए और उसके बाद मेरे एक्सप्लेनेशन को देखिए, तब आप रियली में सीख पाएंगे। क्योंकि पता है आपको BFM के बारे में एक महत्वपूर्ण रणनीति आपकी ये होनी चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक जो है मैक्सिमम 70% जो आपका न्यूमेरिकल है, और याद होगा न्यूमेरिकल वाले टॉपिक को स्पेशल फोकस देना होता है। खाली देख देख के आप नहीं समझ सकते हैं। ऐसा होता है कभी कभी कि केवल आप देख लेंगे कि ऐसे करना है, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप भूल जाइएगा। तो जब तक उसको कीजिएगा नहीं तब तक आपका कोई काम नहीं होने वाला है। तो एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए। जब आप खुद से ट्राई कीजिएगा तो हो सकता है आप कुछ गलत स्टेप कर दिए हों, तो जब आप मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा तब आप समझिएगा कि हाँ ये मेरा गलती था। तो ये बेस्ट तरीका है इस पार्टिकुलर 50 क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करने का। लगभग 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड है, और 15 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, और जितना पॉसिबल टॉपिक से सभी टॉपिक्स को मैंने इंक्लूड करने का प्रयास किया है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, 8 साल का 9% सेमी एनुअल बॉन्ड है, मार्केट यील्ड दे रखा है 7.20%, और इसका 5 साल रिमेनिंग है मैच्योरिटी के लिए। मैकलॉड ड्यूरेशन बॉन्ड का दे रखा है 3.2 ईयर। तो हमसे ये पूछा गया है कि अप्रॉक्सीमेट चेंज इन प्राइस कितना होगा यदि मार्केट यील्ड 7.50 से ऊपर भाग जाए। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है कि प्राइस 0.93% बढ़ जाएगा, 0.96% बढ़ जाएगा, 0.93% घट जाएगा, 0.96% घट जाएगा। अब बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज इक्वल टू मैकलॉड ड्यूरेशन अपॉन 1 / y / 1 / y/n। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे y यील्ड होता है, n नंबर ऑफ ईयर्स होता है। तो यहाँ पे हमें मैकलॉड ड्यूरेशन कितना दे रखा है, 3.2 दिया हुआ है, और y कितना है हमारा, y हमारा यील्ड दिया हुआ है 7.20%, और n दिया हुआ है हमें 5 ईयर। तो उसे आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 1.036 आएगा, यानी कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपको मिल जाएगा 3.09। अब देखिए दोस्तों मॉडिफाइड ड्यूरेशन बेसिकली होता क्या है कि अप्रॉक्सीमेटली चेंज इन प्राइस व्हेन मार्केट यील्ड गोज़ अप बाय 7.5%। क्वेश्चन में यही पूछा गया है ना। ठीक है, तो दोस्तों आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे ये देखिए कि डिफरेंस इन यील्ड कितना है। तो यील्ड पहले का कितना था, पहले था 7.20, अब कितना हो गया 7.50, यानी कितना का इंक्रीज हुआ बताइए। हमारा जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 0.30 का। अब समझिए दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन बेसिकली रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है तो समझिए, ये रेशियो होता है चेंज इन प्राइस का अपॉन चेंज इन यील्ड का। आपको चेंज इन यील्ड पता है, आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन पता है, तो चेंज इन प्राइस तो निकाल ही सकते हैं ना दोस्तों। कैसे निकालिएगा, चेंज इन प्राइस निकालने के लिए यील्ड को मॉडिफाइड ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 30 × 3.09 = 0.93। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा खुद से। तो दोस्तों कार्डिनल प्रिंसिपल को अप्लाई करना होता है जब जो है ऊपर जाता है और बॉन्ड का प्राइस कम आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यदि पोर्टफोलियो रिस्क को फुल्ली डाइवर्सिफाइड कर दिया जाए तो पोर्टफोलियो रिस्क किस प्रकार का रिस्क हो जाता है, ए सिस्टमैटिक, बी कंसंट्रेशन, सी ऑपरेशनल, डी ट्रांजैक्शन। सबसे पहले ये तो बताना चाहिए कि ये सब रिस्क होते क्या हैं। तो यदि आपको इन सभी रिस्क के बारे में डिटेल में जानना है तो मेरे BFM के मॉडल बी के प्लेलिस्ट के सेकेंड वीडियो में चले जाइए, वहाँ पर मैंने सभी तरह के रिस्क को डिस्कस किया है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जब देखिए जब कोई पोर्टफोलियो फुल्ली डाइवर्सिफाई हो जाएगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम लेवल पे रिड्यूस हो जाएगा। और जब पोर्टफोलियो फुल्ली डाइवर्सिफाइड है इसका मतलब कि जितने भी रिस्क फैक्टर इंक्लूडेड हैं, सो व्हेन ऑल रिस्क ऑकर होल, आप देखिए सभी का सभी रिस्क यदि एक साथ हो जाएंगे तो पूरा का पूरा इकोनॉमी ही अफेक्टेड हो जाएगा, जिसके कारण पूरा का पूरा इकोनॉमी फेलियर आ जाएगा, जिसे हम लोग सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, यानी सिस्टमैटिक रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरिवेटिव मार्केट में जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो कौन से एग्रीमेंट को एक्सचेंज करते हैं, ए फेमा, बी आईकॉन, सी ISDA, और डी स्टाम्प्ड एग्रीमेंट। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ISDA। ISDA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेसल 3 के अनुसार जो रिस्क वेट है कैपिटल चार्ज का क्रेडिट रिस्क का स्टैंडर्डाइज अप्रोच में, तो आपको मैच करना है दोस्तों क्लेम ऑन फॉरेन गवर्नमेंट सच एज बेस्ड ऑन रेटिंग ऑफ इंटरनेशनल रेटिंग सच एज मूडीज, फिच, इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए AAA to AA रेटिंग है तो कर रहा है 0%, BBB रेटिंग है तो 20%, BBB रेटिंग है तो 150%। तो ए ऑप्शन है ओनली 1 and 2, फिर है ओनली 1 and 3, फिर 2 and 3 and 1, 2 and 3। तो बताइए जो रिस्क वेट है वो कौन सा सही है,
ये आपको बताना है। तो ये तो देखिए, ये बेसिकली मेरा एक चार्ट है जो कि मैंने अपने वीडियो में भी समझाया है दोस्तों। आप मेरी क्रेडिट रिस्क वाली वीडियो को जाके देखिए, वहाँ पे जो चार्ट है उसे एक बार देखिए ध्यान से, उसी में बेस्ट क्वेश्चन है। आपको यदि PDF चाहिए तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 एंड 3, यानी सभी के सभी सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन। मिस्टर राम बैंकिंग विद धनलक्ष्मी बैंक एन एग्रीकल्चर एंटरप्रेनर ग्रोइंग वेजिटेबल इन ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी इन ऊटी वांट टू अपडेट इज फार्म हाउस विद मॉडर्न मशीनरी। सिंपल सी बात है, वो अपडेट करना चाह रहा है मॉडर्न मशीनरी से, तो वो इम्पोर्ट कर रहा है कुछ को चाइनीज मैन्युफैक्चरर मिस्टर जुआंच LLC बीजिंग से, जो कि चाइना डेवलपमेंट बैंक के साथ बैंकिंग कर रहा है। टोटल कॉस्ट ऑफ $4,500। मिस्टर जाउंच LLC हैज इंसूड एन इनवॉइस स्टेटिंग द सेल ट्रांजेक्शन मस्ट बी बैक्ड बाई LC। एज सच मिस्टर राम अप्रोचेस धनलक्ष्मी बैंक फॉर ओपनिंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर इन FCY USD। धनलक्ष्मी बैंक चाइनाज फॉरन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक इज बैंक ऑफ चाइना बीजिंग। अब देखिए हु इज हु, तो एप्लीकेंट ऑफ LC कौन है, बेनिफिशियरी ऑफ LC कौन है, LC ओपनिंग एडवाइजिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक, रिमबर्सिंग बैंक। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। आप मेरे BFM मॉड्यूल लेके मेरा जो क्विक रिवीजन सेशन है उसमें जाके देखिए, सेम क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अभी मैं एक्सप्लेन दोबारा नहीं करूँगा, आपको मैं आंसर बता देता हूँ। एप्लीकेंट ऑफ LC है मिस्टर राम खम, फिर हमारे बेनिफिशियरी ऑफ LC है जाउंच LLC, LC ओपनिंग और इशूइंग बैंक है दोस्तों धनलक्ष्मी बैंक, एडवाइजिंग बैंक है बैंक ऑफ चाइना, नेगोशिएटिंग बैंक है दोस्तों चाइना डेवलपमेंट बैंक, और रिमबर्सिंग बैंक है बैंक ऑफ चाइना एट चाइना। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू फेमा 1999 हु इज NRI। ए फर्स्ट इज लास्ट 3 ईयर अ मैन वर्किंग इन दुबई, सेकंड और लास्ट 15 डेज टू टूरिस्ट फॉर यूरोप। यूरोप का स्पेलिंग गलत हो गया दोस्तों, ये EU होगा। MBA स्टूडेंट स्टडी फॉर एब्रॉड इन शॉर्ट टाइम इन, फोर्थ है स्पेशलिस्ट ट्रिप फॉर अ फॉरिन फॉर सेमिनार। तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। देखिए बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टूडेंट गोइंग फॉर हायर स्टडीज आर कंसिडर्ड NRI स्पेसिफिकली एज पर RBI गाइडलाइन एवन दो देयर ट्रांजिट अब्रोड इज नॉट फॉर इंडेफिनेट पीरियड नॉट फॉर बिजनेस। तो दोस्तों स्टूडेंट अब्रोड, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है दोस्तों, वही NRI होता है हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, US डॉलर स्पॉट रेट दे रखा है 44.50 और 2 मंथ फॉरवर्ड रेट दे रखा है 44.70। तो इस रेट में फॉरेन FC जो है हमारा वो प्रीमियम में है, होम करेंसी डिस्काउंट में है। FC और होम करेंसी दोनों प्रीमियम में है, FC होम करेंसी दोनों डिस्काउंट में है, होम करेंसी प्रीमियम में है और फॉरेन करेंसी डिस्काउंट में है। बताइए कौन सा सही है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका। क्यों ये करेक्ट आंसर है मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे ज़्यादा INR का रिक्वायरमेंट है प्रत्येक यूज के लिए, इसका मतलब USD जो है वो प्रीमियम में होगा और INR जो है वो डिस्काउंट में होगा। और हम लोग जानते हैं कि जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट का कैलकुलेशन करते हैं एक स्पॉट मंथ से, तो वहाँ पे फॉरवर्ड रेट को लिया जाता है। सिमिलरली डिस्काउंट के केस में हायर मंथ फॉरवर्ड रेट को लिया जाता है, और मार्जिन को डिस्काउंट के केस में सेपरेट करते हैं और प्रीमियम के केस में ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर अ बैंक ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज यूजुअली। तो ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटी में क्या क्या आता है दोस्तों। पहला है एसेट और लायबिलिटी को बढ़ाना और नेट इनकम को घटाना। दूसरा है कि नेट इनकम को बढ़ाना लेकिन एसेट लायबिलिटी को नहीं चेंज करना। तीसरा है बैंक के लायबिलिटी को बढ़ाना उसके एसेट को नहीं। और चौथा है इनकम अर्न फ्रॉम एक्टिविटी नॉट एसेटेड बैंकिंग। तो ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटी में याद रखिएगा नेट इनकम को बढ़ाना लेकिन एसेट और लायबिलिटी को चेंज नहीं करना, ये हमारा ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज होते हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मैच द फॉलोइंग टाइप है, देख सकते हैं डिफरेंट वैराइटीज का क्वेश्चन है, ट्रेजरी से रिलेटेड है और मॉड्यूल सी से। तो ट्रेजरी को ऑर्गेनाइज किया जाता है फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस, मिड ऑफिस, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट। तो इस एक्टिविटीज को डिवीजन में मैच द फॉलोइंग करना है। पहला है बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज इन सेकेंडरी मार्केट। दूसरा है सब्सक्राइबिंग इन द न्यू इशूज ऑफ नॉन गवर्नमेंट डेट पेपर। तीसरा है मॉनिटरिंग एक्सपोजर स्टॉप लॉस लिमिट। अब किसका क्या काम है ये बताया गया है, तो मेरे मॉड्यूल सी में जाके आप आसानी से समझ सकते हैं। और दोस्तों क्विक रिविजन सेशन भी अवेलेबल है हमारे चैनल पर मॉड्यूल सी का। अब बताइए ऑप्शन देख सकते हैं ABCD करके, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं ABC एंड D। तो दोस्तों एक बार इसका ध्यान से पढ़िए किसका क्या काम है, मैं आंसर बताता हूँ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B, यानी 1 का A, यानी कि जो हमारा फ्रंट ऑफिस है वो बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटी इन द सेकेंडरी मार्केट करता है। उसके बाद 2 का D, यानी जो बैक ऑफिस है वो नॉस्ट्रो अकाउंट को मेंटेन करता है। फिर तीसरा का है दोस्तों C, यानी मिड ऑफिस जो है वो हमारा जो मॉनिटरिंग एक्सपोजर स्टॉप लॉस लिमिट है वो मिड ऑफिस करता है। और चौथा का B है, सॉरी मैं गलत बता रहा था, चौथा का B है, यानी मेंटेनेंस ऑफ नॉस्ट्रो अकाउंट जो है वो हमारा बैक ऑफिस करता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, इसको आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। देखिए 10th नंबर क्वेश्चन हमारा डेरिवेटिव से है, इसमें पूछा गया है कि मिस्टर राज ने कॉल ऑप्शन परचेज किया 500 शेयर का A के साथ, स्ट्राइक प्राइस दे रखा है 140 रुपया, मैच्योरिटी दे रखा है 3 महीना, प्रीमियम दे रखा है 40 रुपया,
मैच्योर होने के बाद जो ए का शेयर का प्राइस था वो 180 रुपया हो गया। इंटरेस्ट कॉस्ट दे रखा है 12% पर एनम। तो हमें पूछा गया है कि प्रॉफिट और लॉस कितना है इंडिविजुअल के लिए इस ट्रांजेक्शन पे। आपके सामने चार ऑप्शन है, आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहली बात कि ये कॉल ऑप्शन है, तो कॉल ऑप्शन में ये एज्यूम किया जाता है कि वो 500 शेयर ऑफ ए जो खरीदा है उसका प्राइस 140 रुपया, तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, वो टोटल शेयर को बेच देगा मार्केट पे किस प्राइस पे, वो जो टोटल शेयर को बेच देगा मार्केट पे 180 रुपये के प्राइस में, ठीक है दोस्तों। तो बताइए टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कितना खरीदा था बताइए, 500 शेयर खरीदा था और पर शेयर का दाम कितना है 180 रुपया, टोटल शेयर का दाम कितना हो जाएगा 90,000 रुपया। तो बताइए कितना प्रॉफिट हुआ इस ट्रांजेक्शन में, 20,000 हुआ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है। उसको ये जो प्रीमियम है, ये जो प्रीमियम है उस पर उसको पे भी करना पड़ेगा कॉल ऑप्शन के लिए, हैज़ टू पे द प्रीमियम, प्रीमियम भी तो पे करना पड़ेगा दोस्तों। तो प्रीमियम कैसे कितना पे करेगा, देखिए प्रीमियम का अमाउंट दे रखा है 40 रुपया एक शेयर का है और कितना शेयर खरीदा है 500 शेयर खरीदा है, तो टोटल प्रीमियम कितना पे करेगा 20,000, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट दिया हुआ है कितना, 12% दिया हुआ है। तो 3 महीना के लिए बताइए, आपको 3 महीना के लिए ये ट्रांजेक्शन किया गया है, समझ रहे हैं, मैच्योरिटी डेट तो 3 महीना है ना, तो 12% है 1 साल के लिए, तो 3 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 4 से भागा दे दीजिए तो आपका हो जाएगा 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 3%। तो दोस्तों ये जो 20,000 है उसका 3% निकालिए कितना हो जाएगा 600, तो टोटल प्रीमियम प्लस प्रीमियम कॉस्ट, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 2,000 प्लस 600 यानी 20,600। तो दोस्तों टोटल आप देखा जाए तो टोटल उसको प्रॉफिट हुआ 20,000 का और उसको प्रीमियम देना पड़ रहा है 20,600 यानी 600 रुपया का उसे लॉस है, समझ रहे हैं बात को। तो करेक्ट आंसर इसको ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, इसमें हमसे टायर वन कैपिटल 2500, टायर टू कैपिटल 2000। बहुत लोग कह रहे थे कि हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस और वर्टिकल डिसअलाउंस पे क्वेश्चन पोस्ट करने का, तो ये क्वेश्चन ये केस स्टडी उसी लिए बनाया गया दोस्तों। पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, एक केस स्टडी आया था डिसअलाउंस पे, तो इस क्वेश्चन से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो बेसिकली आपका कंसेप्ट भी क्लियर चल रहा है और ये बेसिकली रिविजन करने का बेस्ट तरीका है। टायर वन कैपिटल है 2500 करोड़, टायर टू कैपिटल है 2000 करोड़, रिस्क वेट एसेट फॉर क्रेडिट रिस्क अदर देन रिटेल एसेट इंक्लूडिंग 2000 करोड़ ऑफ कमर्शियल रिटेल एसेट आपको दे रखा है 35,500 करोड़, रिटेल एसेट पे एक्सपोजर दे रखा है 8,700 करोड़, टोटल एलिजिबल फाइनेंशियल कलेक्ट्रल अवेलेबल फॉर रिटेल एसेट 1200 करोड़, कैपिटल चार्ज पर मार्केट रिस्क नेट पोजीशन 450, कैपिटल चार्ज पर स्पेसिफिक रिस्क 190, वर्टिकल एडजस्टमेंट 15, हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट 10, टोटल कैपिटल चार्ज पर इक्विटी 150। ये सब डाटा आपको दी गई है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर पाएं आपको तरीके से। और यदि आपको इस पार्टिकुलर पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है जो कि मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है क्वेश्चन को, तो उसके लिए आप मुझे नीचे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि बैंक जो है इसका टायर वन सीआरएआर को मिनिमम रिक्वायर्ड टायर सीआरआर से कंपेयर करता है और क्या फाइंड करता है। पहला, दिस टायर वन सीआरआर इज मोर एंड एक्सीड रिक्वायरमेंट बाय 675 करोड़। दूसरा, टायर वन सीआरआर इज मोर एंड एक्सीड रिक्वायरमेंट बाय 355 करोड़। तीसरा, टायर वन सीआरआर फॉल्स शॉर्ट बाय 854 करोड़, नन ऑफ दिस। दोस्तों इसको तरीका मैं पहले ऐसा करता हूँ, इसको समझने के लिए देखिए कि मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। सबसे पहले आरबीआई के अनुसार टायर वन सीआरआर जो है सीआर वो होना चाहिए टोटल रिस्क वेट एसेट का 6%, ठीक है। टोटल रिस्क वेट एसेट आप कैसे निकालिएगा, अभी मैं नीचे निकाल रहा हूँ दोस्तों, अभी रुक जाइए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ठीक है, 13 नंबर देखिए। 13 में पूछा गया है कि टोटल रिस्क वेट एसेट निकालने कहा गया है, ये क्वेश्चन ऊपर होता ज़्यादा बढ़िया रहता। टोटल रिस्क वेट एसेट किसके लिए निकालना है, मार्केट रिस्क के लिए निकालना है, चार ऑप्शन है। तो दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है, कैसे निकालिएगा टोटल रिस्क वेट एसेट, आपको डाटा क्या दिया हुआ है देखिए, आपको कैपिटल चार्ज दिया हुआ है ना 450, 190, 15, 10, 150, 70, 495 तक, ठीक है, उन सभी को जोड़ दीजिए। देखिए मैंने यहाँ जोड़ा है दोस्तों, 450, 190, 15, 10, 150 और 70, समझ रहे हैं बात को। ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली कैपिटल ही तो है। अब दोस्तों कैपिटल आपको पता है, आपको आना है रिस्क बेस एसेट पे, तो सीआरएआर का तो फॉर्मूला है, देखिए सीआरएआर बेसिकली सेतु का काम करता है, ये दो चीज को जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है, कैपिटल को और रिस्क वेट को। तो जब आपको कैपिटल और सीआरएआर बताओ तो रिस्क वेट निकालना हो तो आप सीआरएआर का यूज कर लीजिए, जब आपको रिस्क वेट पता है और आपको कैपिटल निकालना है तो सीआरएआर का यूज कर लीजिए। इस केस में बताइए क्या पता है हमें, इस केस में हमें कैपिटल पता है और हमें सीआरएआर पता है, कितना सीआरएआर है बताइए, आरबीआई कहती है 9%। तो दोस्तों कैपिटल को सबको आप जोड़ लीजिए, कैपिटल आपने जोड़ लिया और फिर उसको आप क्या कीजिए, सीआरएआर से डिवाइड कर दीजिए। तो यानी देखिए मैंने यहां पे किया है, मैंने
सभी कैपिटल को जोड़कर इसको 9% से डिवाइड कर दिया तो हमें आंसर मिल गया 9833.33 करोड़। ठीक है, यानी आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो पहले 13 नंबर क्वेश्चन में आपने रिस्क वेट निकाल लिया, चलिए उसके बाद 14 को देखिए। द कैपिटल रिक्वायर फॉर क्रेडिट रिस्क एट मिनिमम रिक्वायरमेंट एज पर RBI, आपके सामने चार ऑप्शन है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म रिस्क एसेट जो है वो रिटेल एसेट पोर्टफोलियो का 75% होता है एक्सेप्ट NPA एज पर RBI नॉर्म। ठीक है दोस्तों, अच्छा उसके बाद इसको रुक जाइए, इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ 14 नंबर कैसे करना है। अब आप पिछले क्वेश्चन में आ जाइए, बैंक का CRAR पूछा गया है। अब आप बताइए कैसे निकालेगा बैंक का CRAR। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे 35,500 ये सब कहाँ से आए वो मैं बताता हूँ आपको। आप ये सबसे लास्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको ग्रॉस इनकम पूछा गया, ये तो ऑपरेशनल रिस्क का पार्ट है। ये देखिए आप, ये यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, जो कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर क्रेडिट रिस्क एट मिनिमम रिक्वायर्ड रेट वो समझिए। जो यूनिफॉर्म रिस्क एसेट होता है वो रिटेल एसेट पोर्टफोलियो का 75% होगा एक्सेप्ट NPA। तो 75% किसका निकालना है, रिटेल एसेट पोर्टफोलियो का। रिटेल एसेट पोर्टफोलियो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देखिए, रिटेल एसेट पोर्टफोलियो आपको दिया हुआ है 8,700, लेकिन उसमें से NPA जो है उसको घटा देना है। ठीक है दोस्तों, NPA को नहीं लेते हैं हम लोग इसमें, तो NPA वाला पोर्शन जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 1200 सबट्रैक्ट करेंगे, यानी 8700 में से 1200 सबट्रैक्ट कीजिए और उसको 75% निकालिए तो आपको मिल जाएगा 5625। और जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट है वो 9% है कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर क्रेडिट रिस्क। तो कैपिटल कितना हो जाएगा दोस्तों, ये जो मैंने निकाला है 5625, ये है हमारा रिस्क बेस एसेट। कैपिटल जो CRAR है वो है 9%। तो आपसे क्या पूछा गया, कैपिटल ही तो निकालने कहा गया, कैसे निकालेगा कैपिटल, तो रिस्क वेट को CAR से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि आप 9% निकाल लीजिए, 35,500 प्लस 5625। दोस्तों ये 35,500 कहाँ से आया, तो क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 35,500 हमारा जो है रिस्क वेस एसेट फॉर क्रेडिट रिस्क अदर देन रिटेल एसेट। ठीक है, तो क्रेडिट रिस्क के लिए जो RW है वो 35,500 है और रिटेल एसेट के लिए अभी हम लोगों ने निकाला है, तो टोटल करने के लिए क्या लेगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, समझ रहे हैं बात को। तो जोड़ के उसको 9% निकाली तो आपको आंसर मिल जाएगा 3,700 करोड़। अब आप जरा पिछले क्वेश्चन में आ जाइए, 13 को हम लोगों ने देख लिया, 12 में क्या पूछा गया है, CRAR ऑफ द बैंक इज। तो CRAR के लिए क्या करते हैं, कैपिटल को ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं रिस्क वेस एसेट को। तो कैपिटल कितना है हमारा 2500 और 2000, और हमारा रिस्क वेट तो देख ही सकते हैं अभी हम लोगों ने निकाला है, सबको जोड़ के ऑल इन 200 कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा, CRAR आपको आंसर आ जाएगा। अब आप पहले क्वेश्चन में आ जाइए, पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि टायर वन CRAR जो है कम से कम रिस्क वेस एसेट का 6% होना चाहिए। तो रिस्क वेस एसेट कितना है, हम लोगों ने नीचे निकाला है 55,902 देखिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है रिस्क वेस एसेट 55,902। ठीक है दोस्तों, और उसका 6% होगा तो वो आपको मिल जाएगा 3,354 करोड़। और जो टायर वन कैपिटल है वो कितना है, 2500 करोड़ है। तो टायर वन कैपिटल कितना शॉर्ट कर रहा है, वो शॉर्ट कर रहा है 854 करोड़ से। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा टोटल रिस्क वेस एसेट फॉर ऑपरेशनल रिस्क पूछा गया था, एवरेज ग्रॉस इनकम निकाल लीजिए। इसका तरीका तो बता ही होगा, ग्रॉस इनकम का एवरेज निकाल लीजिए। ये मैंने मेरे जो ऑपरेशनल रिस्क का जो केस स्टडी है उसमें भी जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको 445 मिल जाएगा। और RW निकालने के लिए 0.09 से डिवाइड कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन वन डे VAR ऑफ पोर्टफोलियो इज ₹5,00,000 विद 95% कॉन्फिडेंस लेवल इन अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ है, मान लीजिए 125 वर्किंग डेज है, हाउ मेनी टाइम्स द लॉस ऑन पोर्टफोलियो में एक्सीड ₹5,00,000। यानी क्या दिया हुआ है, एक दिन का VAR दिया हुआ है वो है 5,00,000 95% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ 6 महीना के पीरियड में। तो कितना टाइम जो है पोर्टफोलियो पे लॉस जो है वो 5,00,000 से ज़्यादा है, आपके सामने चार ऑप्शन है। दोस्तों VAR का मतलब है वैल्यू एट रिस्क, क्वेश्चन के अनुसार क्या है, एक डे VAR दिया हुआ है 5,00,000, यानी और कितने कॉन्फिडेंस इंटरवल, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे। दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन परफेक्ट है, इट मींस इसका मतलब ये हुआ कि 95% पॉसिबिलिटी है कि लॉस जो है वो 5,00,000 से कम रहेगा, यानी 5% चांस है कि लॉस जो है 5,00,000 से ज़्यादा रहेगा। अब 125 दिन यानी कि 6 महीना में ये पॉसिबिलिटी ये है कि इन पाँच परसेंट चांसों में ऐसा होगा कि लॉस जो है 5,00,000 से ज़्यादा होगा। तो आप 125 का 5% निकाल लीजिए, यानी 6.25, यानी 6, मतलब 6 दिन में ऐसा होगा कि लॉस जो है वो 5,00,000 से ज़्यादा होगा। वही तो पूछा गया था कि कितने बार में लॉस जो है 5,00,000 से ज़्यादा होगा, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों जो लोग VAR का मीनिंग समझते हैं वही इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें यही समझाया है कि VAR का एक्चुअल मतलब क्या है, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको USD INR स्पॉट फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है 6.65.60, फिर TOM 2 week 1 month 2 month 3 month 6 month दिया हुआ है, AD load margin 10 पैसा दिया हुआ है परचेज ट्रांजेक्शन के लिए, और सेल ट्रांजेक्शन के लिए 12 पैसा दिया हुआ है। तो आस्किंग रेट पूछा गया है ओवरनाइट डॉलर के लिए।
तो दोस्तों आस्किंग रेट का मतलब होता है सेलिंग रेट। कैसे निकालिएगा, 65.62 में आप 0.02 को ऐड कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 65.64। 18 नंबर क्वेश्चन है बिड रेट, बिड रेट मतलब बाइंग रेट, तो 65.60 में 0.02 ऐड कर लीजिए तो आपको बिड रेट मिल जाएगा। उसके बाद टीटी बाइंग रेट फॉर कस्टमर ट्रांजेक्शन इन टर्म डॉलर, तो क्या कीजिएगा, जैसे मार्जिन भी लेना पड़ेगा, तो बाइंग रेट है तो 65.60 प्लस 0.02 माइनस 0.10 65.52। फिर फॉरवर्ड सेलिंग रेट पूछा गया है तो वो उसमें भी सेम काम है, मार्जिन को जोड़ देते हैं सेलिंग रेट में तो उसमें आपको मिल जाएगा 66.07। 21 में है टॉम यूनिफाइड यूएसडी रेट, सेलिंग रेट फॉर कस्टमर ट्रांजेक्शन टॉम डॉलर, तो वो आपको मिल जाएगा 65.77। अब फॉरवर्ड टीटी बाइंग रेट फॉर वन मंथ यूएसडी निकाला गया है। ये सब के बारे में मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया अपने वीडियो में, इसीलिए मैं यहाँ एक्सप्लेन इसे नहीं कर रहा हूँ। तो करेक्ट आंसर इज 65.65। अब देखिए नेक्स्ट हमारा केस स्टडी है, एक ब्लैंक प्लान कर रहा है अपने स्टैंडर्डाइज स्विच ओवर करना स्टैंडर्डाइज अप्रोच को ऑपरेशनल रिस्क के लिए, तो जो डाटा उसने कलेक्ट किया वो आपके सामने है, कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए इतना, ट्रेडिंग एंड सेल के लिए इतना, और सब आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसके बेसिस पे, स्टैंडर्डाइज अप्रोच में कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी ऑपरेशनल रिस्क के लिए, आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों देखिए इसका एक्सप्लेनेशन समझाता हूं मैं। कैपिटल देखिए सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको ये चार्ट पता होना चाहिए, यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये जो बीटा फैक्टर है इसका काम होता है ऑपरेशनल रिस्क में। देखिए बेसिकली कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए बीटा फैक्टर कितना है 18%। तो आप क्या कीजिएगा कि देखिए स्टैंडर्डाइज अप्रोच में क्या होता है, जो कैपिटल चार्ज पर इस बिजनेस लाइन होता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ग्रॉस इनकम को बाय अ फैक्टर, जिस फैक्टर को बीटा फैक्टर कहते हैं। तो ग्रॉस इनकम ले लीजिए और उसको बीटा फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ग्रॉस इनकम देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए कितना है ग्रॉस इनकम 3380, और बीटा फैक्टर कितना है कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए 18%। तो 18% निकाल लीजिए 3380 का, तो मिल जाएगा आपको 608। उसी तरह आप क्या कीजिए, इस ऊपर वाले चार्ट से आप ग्रॉस इनकम लीजिए और नीचे वाले चार्ट से आपको क्या लेना है, बीटा फैक्टर लेना है। बीटा फैक्टर एग्जाम में दिया नहीं रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबको गुना कीजिए और सबको जोड़ दीजिए तो आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट निकल जाएगा, कितना निकलेगा बताइए, 1687 करोड़ निकलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ये जो पार्टिकुलर मैं आपके साथ ये जो एमसीक्यू सेशन डिस्कस कर रहा हूँ इसमें आपका बेसिकली रिवीजन भी हो रहा है, जो तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन में नया नया कंसेप्ट है, कभी आप मॉड्यूल ए में आते हैं, कभी सी में आते हैं, कभी बी में, कभी डी में। तो दोस्तों इसीलिए इस चीज़ों को ध्यान से समझिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैपिटल रिक्वायर अंडर बेसिक, आप देखिए बेसिक इंडिकेटर अप्रोच पर ऑपरेशन में पूछा गया है, तो वो क्या हो गया, बहुत सिंपल है, सबको जोड़ लीजिए तो आपको मिल जाएगा 10,440 और उसका 15% निकाल लीजिए तो आपको मिल जाएगा 1566, वही आंसर है। 25वां नंबर क्वेश्चन है यील्ड कर्व रिस्क को क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन है कि जो हमारा रिस्क जो कि यील्ड के अल्टर होने के कारण आता है अलग अलग मैच्योरिटी के और उसके एनआईआई पे इंपैक्ट, दूसरा ऑप्शन है जो हमारा यील्ड कर्व रॉन्ग ड्रॉ करते हैं बैंक स्टाफ के द्वारा उसे कहते हैं, तीसरा है लो करंट यील्ड और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है अल्टरिंग ऑफ यील्ड अक्रॉस मैच्योरिटी एंड इंपैक्ट ऑन एनआई, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 26वां नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रेडिंग बुक इज नॉट करेक्ट, ट्रेडिंग बुक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछा गया, नॉट नहीं है करेक्ट है, तो मार्क टू मार्केट सिस्टम इज फॉलो एंड डिफरेंस, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका, इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है। 27 नंबर क्वेश्चन है वीआर एनएफ नहीं है किसी भी पोर्टफोलियो के मार्केट रिस्क को एसेस करने का, तो स्ट्रेस टेस्टिंग क्यों डिजायरेबल होता है, पहला है ऑप्शन ए इट हेल्प इन कैलिब्रेटिंग व्यवहार मॉडल, इट हेल्प एडिशनल रिस्क मेजर, इट हेल्प इन एसेसिंग रिस्क ड्यू टू एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ मार्केट पैरामीटर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए लॉस गिवन डिफॉल्ट आपको निकालने कहा गया है कैपिटल चार्ज कंप्यूटेशन के लिए अंडर आईआरबी मेथड, टोटल एक्सपोजर दे रखा है 10,00,000 यूएस डॉलर का, प्रोपोर्शन ऑफ लॉस दे रखा है 15% का, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डिफॉल्ट प्रोपोर्शन के केस में जो आपका लॉस होता है वो 15% होता है, तो 15% निकाल लीजिए आप 10,00,000 का, यानी 1.5 लाख आ जाएगा। अब देखिए सीसीबी पूछा गया है बेसल 3 सीसीबी कितना रिकमेंड करता है आरडब्ल्यूए का, आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, तो याद रखिएगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को 12.9 पे मेंटेन करना है, मिनिमम टायर 1 कैपिटल रेशियो और मिनिमम टायर 2 हैव टू मेंटेन एट 10.5% एंड 2% ऑफ रिस्क बेस्ड एसेट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट डज नॉट इन्वॉल्व जीरो रिस्क, इसमें जीरो रिस्क नहीं इन्वॉल्व होता है, शेयर में इन्वेस्ट करना, बॉन्ड एंड डिबेंचर इन्वेस्टमेंट करना, टर्म डिपॉजिट, गवर्नमेंट बॉन्ड, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी शेयर में इन्वेस्ट करना। 31st नंबर क्वेश्चन है पर एनम वोलेटिलिटी 25% है, ट्रेडिंग डे पर एनम है 252, तो वोलेटिलिटी पर डे निकालने का गया है, तो करेक्ट आंसर है किसी टाइम हॉरिजन में जो वोलेटिलिटी होता है वो डेली वोलेटिलिटी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ टाइम होता है, तो 25 इज इक्वल टू डेली वोलेटिलिटी इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 252, इसे आपको सॉल्व कीजिएगा तो 1.58 आ जाएगा, और उसको यदि डेसिमल में करना है तो 0.0158 आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इंटरेस्ट रेट रिस्क रेफर्स टू पोटेंशियल एडवर्स इंपैक्ट ऑन डैश, करेक्ट ऑप्शन एनआईआई एनआईएम एमबीई
और ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर सब है दोस्तों। एन आई है याद रखिएगा, नेट इंटरेस्ट इनकम, एन आई एम नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एम बी है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। ई एफ सी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? जितने भी ई एफ सी अकाउंट होते हैं इंडिविजुअल कंपनी जो रेजिडेंट इन इंडिया, वो ई एफ सी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ई एफ सी को हम लोग करंट अकाउंट के फॉर्म में रख सकते हैं, कोई इंटरेस्ट पेबल नहीं होता है। ये फैसिलिटी फॉरन एक्सचेंज अर्नर के लिए प्रोवाइड किया गया, एक्सपोर्टर के लिए भी। और ऑप्शन डी है ऑल ऑल आर ट्रू, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल आर ट्रू। 34 नंबर क्वेश्चन में एक टी बिल दिया हुआ है 91 दिन का, मैच्योरिटी है 73 दिन का, उसका प्राइसिंग किया गया 99 दिन का 99 रुपया पे, तो यील्ड कितना होगा? तो दोस्तों इसका फॉर्मला मैंने बताया था, 100 माइनस पी अपॉन पी इंटू 365 बाई डी इंटू 100, पुट कीजिए वैल्यू आंसर आ जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है प्रीशिपमेंट लोन का बैलेंस दे रखा है 40 लाख, ईसीसी कवर दे रखा है 60%, प्राइमरी सिक्योरिटी का वैल्यू दे रखा है 15 लाख, अकाउंट मोर देन 2 साल से ज़्यादा अकाउंट डाउटफुल है तो प्रोविजनिंग अमाउंट बताना है। देखिए लोन अमाउंट कितना है 40 लाख है, सिक्योरिटी अमाउंट कितना है 15 लाख है। दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से कवर किया है, जब ईसीजी सी इन्वॉल्व होता है तो प्रोविजनिंग कैसे करते हैं, मेरे एसेट एंड प्रोविजनिंग मॉड्यूल डी के प्लेलिस्ट में जाके देखिए। तो ईसीजी सी कवर 25 लाख है, सिक्योर्ड अमाउंट आप निकाल सकते हैं, सिक्योर्ड अमाउंट 10 लाख है सिक्योर अमाउंट, तो दोस्तों कुल मिलाकर टोटल प्रोविजनिंग 16 लाख का होगा। 36 नंबर क्वेश्चन में है ए जो इंडियन है जो कि यूके में जाके सेटल हो गया है, और बी से साजिद कर लिया जो कि केनिया से है और वो ब्रिटिश सिटीजन है, उसके उनके दो लड़के हैं सी और डी जो कि लंदन में बॉन्ड किए हैं, सी ने पाकिस्तानी सिटीजन के साथ मैरिज किया है और कराची में सेटल हो गया, तो डी लंदन में वर्क कर रहा है, तो डी का स्टेटस क्या होगा? दोस्तों डी का स्टेटस होगा हमारा पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन। ए जो है किस तरह का अकाउंट खोल सकता है, एनआरई एनआरओ एफसी एनआरबी, करेक्ट आंसर है तीनों का तीनों अकाउंट खोल सकता है। ए नॉमिनी किसे बना सकता है? तो दोस्तों याद रखिएगा किसी को भी नॉमिनी बना सकता है, नॉमिनी में कोई लिमिटेशन नहीं है, इस क्वेश्चन को मैंने पीछे भी डिस्कस किया था। और सी जो है एनआरआई अकाउंट किसके परमिशन के बाद खुलवा सकता है? तो दोस्तों आरबीआई की परमिशन के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बैंक का लिक्विडिटी पोजिशन होता है उसका एडिक्वेसी किन चीज़ों पर निर्भर करता है? पहला सोर्स ऑफ फंड पे, दूसरा एंटिसिपेटेड फ्यूचर फंडिंग नीड पे, तीसरा प्रेजेंट एंड फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी पे, डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। जब नॉस्ट्रो अकाउंट पहले क्रेडिट होगा बाद में पेमेंट के बाद में, तो कौन सा रेट नहीं अप्लाई होगा? देखिए विल नॉट कर रहा है, टीटी बाइंग रेट, विल बाइंग रेट, टीटी सेलिंग रेट, ओनली वन एंड टू, ओनली वन एंड थ्री। क्वेश्चन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उस केस में बिल बाइंग रेट अप्लाई होता है, इसका ट्रिक मैंने समझाया है अपने वीडियो में, तो करेक्ट आंसर है वन एंड थ्री। प्रोजेक्ट लोन बैंक को दिया जाता है, कॉरपोरेट को, कॉरपोरेट पार्टनरशिप दोनों को, कॉरपोरेट पार्टनर सोसाइटी तीनों को, यानी किसी बिजनेस यूनिट को, करेक्ट आंसर है आंसर डी। कौन सा अप्रोच यूज करते हैं फंडिंग रिक्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए? स्टॉक अप्रोच, स्ट्राइक अप्रोच, फ्लो अप्रोच, क्वांटिटी अप्रोच। तो दोस्तों स्टॉक और फ्लो अप्रोच यूज करते हैं, यानी वन एंड थ्री करेक्ट आंसर है, वन एंड थ्री हमारा करेक्ट आंसर है इसका। एनआरई अकाउंट को ओपन किया जाता है, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो सिंगल नेम अकाउंट बाय नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑफ इंडियन नेशनलिटी, जॉइंट अकाउंट अदर रेजिडेंट, जॉइंट अकाउंट फॉर्मर सर्वाइवर अकाउंट रेजिडेंट कैन ओपन, अकाउंट नेम आवासीय। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोई एनआरआई जो है वो जॉइंट एनआरआई अकाउंट रेजिडेंट के साथ नहीं खुलवा सकता, ही कैन ओपन एनआरआई जॉइंट अकाउंट विद अनदर एनआरआई। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग विच अकाउंट कैन ए पर्सन, जो पर्सन भारत के बाहर रह रहा है और जिसका बिजनेस इंटरेस्ट इंडिया में है, वो ऑथराइज डीलर के साथ कौन सा अकाउंट खुलवा सकता है ताकि वो जो है रुपीज में पैसा कर सके? तो दोस्तों याद रखिएगा करेक्ट आंसर है एसएनआरआर अकाउंट, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपीज अकाउंट। इस पे क्वेश्चन पूछा गया था और चांस है पूछे जाने की। अब देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन कॉप जिसको हम लोग डायरेक्ट एग्रीकल्चर लोन के लिए पर्पज के लिए क्लासिफाई करते हैं, चाहे परफॉर्मिंग हो या नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो, तो उसका ड्यूरेशन कितना महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में कितना होना चाहिए? तो दोस्तों 12/1/9/1/6/1/6/9 करेक्ट आंसर है 6/1। तो दोस्तों हमारा यदि वो जो है हमारा ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में 6 महीना और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में आपका है 1 साल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे गलती से मैंने 1 लिख दिया है, वो 1 ईयर, यहाँ ईयर लिखा हुआ है दोस्तों। अब देखिए बैलेंस शीट दिया हुआ है, किसी टोटल एडवांस 1 लाख है, ग्रॉस एनपीए 12% है, नेट एनपीए 6% है, आपको ग्रॉस एनपीए निकालना है। तो ग्रॉस एनपीए कैसे निकालिएगा? टोटल एडवांस परसेंट ऑफ ग्रॉस एनपीए यानी 1 लाख का 12% यानी कि 12,000 करोड़। उसके बाद दोस्तों नेट एनपीए कैसे निकालिएगा? टोटल एडवांस का नेट परसेंट ऑफ नेट एनपीए, तो वो आपका 6% दिया हुआ है, तो 6% 1 लाख का निकाल लीजिए यानी 6,000 करोड़। उसके बाद दोस्तों स्टैंडर्ड लोन का प्रोविजन बताया गया है, तो स्टैंडर्ड लोन का प्रोविजन टोटल एडवांस माइनस ग्रॉस एनपीए, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं 88,000, और ये जो आपको पता ही होगा 0.4% होता है, तो आपका आंसर मिल जाएगा 352 करोड़ रुपया। तो दोस्तों तो तरीका मैंने बताया था उसे ही अप्लाई कीजिएगा, पहले बार खुद से ट्राई कीजिए फिर सॉल्व कीजिए फिर मेरे आंसर को देखिए। और एनपीए अकाउंट में प्रोविजनिंग बताया गया है, तो वो होगा हमारा वो कितना आएगा 6,000 करोड़। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पहला सेशन बीएफएम के एमसीक्यू पार्ट 1।
दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह का वीडियो और लाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और दोस्तों व्यूज़ थोड़ा बढ़ाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसमें इस पार्टिकुलर पीडीएफ को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, और कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन अलग अलग वैरायटीज़ के लाता है, और उसका आंसर एक्सप्लेनेशन को करने में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। तो दोस्तों व्यूज़ और थोड़ा आना चाहिए हमारे चैनल में। और दोस्तों यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, जिसमें आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि मेरा व्यूज़ ज़्यादा रहेगा तो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा इस तरह का सेशन लाऊंगा आगे जो 5 दिन है उसमें। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आपका पार्टिसिपेशन कैसा हो रहा है, और भी लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी यहाँ आएँ, वो लोग भी हमारे वीडियो को देखें, और निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जो मैं सेट्स करवाऊंगा, जितना सेट्स मैं करवा सकता करवाऊंगा उतना आपको फ़ायदा होगा। बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, और सिमिलर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं हमारे एग्जामिनेशन में। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।